है भारत समाचार में, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी ने जन प्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक की है। मेरठ मंडल के जन प्रतिनिधियों के साथ सीएम बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। मेरठ मंडल के सभी जनप्रति बैठक में मौजूद रहे, विधायकों से लेकर एमएलसी सांसदों के साथ सीएम ये बैठक कर रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 6:30 बजे प्रयागराज मंडल की भी समीक्षा बैठक होगी। लगातार मंडलवार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, अपेक्षित परिणाम नहीं रहे, गहन अध्ययन लगातार चल रहा है, आंकलन चल रहा है कि आखिरकार यूपी में किन कारणों से हार हुई बीजेपी की, ये विश्लेषण चल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, आप देखिए मंडलवार समीक्षा दर समीक्षा हो रही है। अब सवाल ये है कि एक तरफ संगठन को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की गई और अब दूसरी तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक अपने आप में बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब आने वाले समय में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन के उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली में भी देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, एक तरफ दिल्ली में भी बड़ी बैठकें चल रही, वहीं यूपी की अगर बात करें तो मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 बजे प्रयागराज मंडल के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दो जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। संदीप भी मेरे साथ मौजूद हैं, नजर बनाए हुए इस खबर पर, और धीरेंद्र प्रयागराज से मौजूद हैं। शुरुआत संदीप आपी के साथ करेंगे। बैठकों पर बैठकें लगातार चल रही है, मंथन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। संदीप, अब ये बैठकें सामान्य है या किसी और तरफ इशारा कर रही है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वाति। देखिए बैठकों को देखिए हाँ सामान्य रूप से एक कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बैठक के अंदर का देखिए जो मुद्दा होता है वो सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक जनप्रतिनिधि यानी जो भी सांसद और विधायक है उनसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आखिर जो हमारी पार्टी 29 सीटें हारी हैं उनके हार की क्या वजह रही है, और उसी के साथ साथ देखिए तमाम जो सांसद हैं विधायक हैं वो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं आने वाले समय में वहां पर किस तरीके से विकास कराया जा सकता है, और उसी के साथ साथ एक चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने का प्रयास करे यानी उनको आगे चल के आयोग और निगम में समायोजित करना है, और उसी के साथ साथ देखिए लगातार ये खबरें इस समय राजनीतिक गलियारों में है कि अधिकारियों की जो मनमानी का मुद्दा है वो भी तमाम विधायक सांसद उठा रहे हैं। आज सुबह देखिए मेरठ की एक बैठक हुई थी और शाम को अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रयागराज के जो भी विधायक और सांसद हैं उनके साथ सीएम योगी 1-to-1 बात कर रहे हैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि सीएम योगी एक एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं और उसको बकायदा नोट किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में किन तरीके की समस्याएं हैं, क्या अधिकारी उसको लेकर लोड लेते हैं, आपका कहना सुना जाता है, और उसी के साथ साथ आने वाले समय पर वहां पर किस तरीके का विकास होता है। बैठकें तो सामान्य है लेकिन उसके अंदर जो होने वाली चर्चा है मुझे लगता है ये विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर एक तैयारियां, और उसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव में किसी की नाराजगी ना सामने आए, कोई विधायक ना नाराज हो, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि नाराज ना हो, और ये तभी नाराज नहीं होंगे जब जनता की समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। धीरेन्द्र भी मेरे साथ प्रयागराज से मौजूद है। धीरेन्द्र, प्रयागराज में भी काफी देर तक बैठक चली जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या विश्लेषण हुआ, क्या कुछ निकल कर सामने आया उस बैठक से, आपके पास कोई जानकारी हो? देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे और यहाँ पर कुंभ को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक किया था और उस समय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रयागराज मंडल में एक सीट केवल फूटपुर की ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है और बाकी सीटों को उनको करारी हार मिली है, और यही वजह रही है कि उसकी अब समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। तमाम चीजें उनकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ जो जिनको टिकट दिया गया था उनसे कुछ वहां के स्थानीय लोग नाराज थे, ये हार की वजह रही है।
कुछ सीटों पर जिस तरीके से भीतरघाट की बात सामने आ रही थी, तो तमाम ऐसे जो सीटें जिसपे हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अब केवल एक सीट फूलपुर की ऐसी बची हुई है जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल ने बीजेपी की हासिल की थी, और बाकी सीटें जो मंडल की हैं वो सभी वे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हार चुका था। और यही वजह रही है कि अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां में जुटी है और किसी तरीके से कोई कोर कसर न रह जाए, और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मंडल बिल्कुल बैठक लगातार चल रही है। संदीप भी मेरे साथ मौजूद है। संदीप, देखिए चर्चा लगातार ये भी चल रही है, सभी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी में किस तरह की खींचतान चल रही है, शक्ति प्रदर्शन लगातार चर्चा ये है कि ये बैठक शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में क्या सामंजस्य है इसको लेकर एक लंबी लकीर खींची आ रही है। अब चर्चाएं ये भी है कि शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, मुख्यमंत्री बैठ के कर रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल स्वाति, ये बात आपने ठीक कही कि संगठन और सरकार को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में एक लाइन खींच दी गई है, तो उसका तालमेल बिठाने की भी देखिए कोशिश करी जा रही है। बैठक के जरिए देखिए मंथन किया जा रहा है कि जो गलतियां, जो त्रुटियां लोकसभा चुनाव में हुई हैं, वो गलतियां इस बार ना दोहराई जाए। यानी जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाना है, जिसके नाम को लेकर चर्चा चल रही है, उसकी जनप्रतिनिधियों के बीच में किस तरीके की छवि है, क्या जनता के लोग उससे नाराज तो नहीं हैं, और उसी के साथ साथ ऐसे मुद्दे, वो चाहे जाति समीकरण को लेकर हो, ऐसे कौन से मुद्दों को साधा जाए जिससे विधानसभा का उपचुनाव, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खास तौर से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि तमाम तरीके की देखिए इस बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई तरीके की बयानबाजी दी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी दी, यानी कई लोग मुखर होकर सामने आ गए। ऐसे में ये देखा कि क्या कुछ खटपट चल रही है, लेकिन खटपट की देखिए कोई बात सामने नहीं आई है। सभी लोग संगठन से भी जुड़े हैं, सभी लोग सरकार से भी जुड़े हैं, लेकिन हाँ जो सामंजस्य का जो एक गैपिंग आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों से वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि लोगों की नाराजगी रहती थी कि हम मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते, वो कम हो पाएगी या नहीं। देखिए धीरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, आपसे भी यही सवाल है। देखिए बातचीत लगातार चल रही, बैठकें चल रही, मंथन हो रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि वाकई में बैठक थी या फिर कुछ और? शक्ति प्रदर्शन का भी नाम इसको कुछ लोग दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं धीरेंद्र? देखिए अगर हम बैठक की बात करते हैं तो प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं, फेस टू फेस बातचीत करेंगे, और तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं, चाहे संगठन की समस्या हो, चाहे सरकार चलाने को लेकर यहाँ जो अधिकारी नौकर कहाँ है, उन सब के बीच में चर्चा जनप्रतिनिधियों से करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम है, क्योंकि फूलपुर में जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, उस सीट के प्रत्याशियों को लेकर भी एक बड़ा मंथन आज लखनऊ में होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक लंबी फेरी से एक लिस्ट जारी लिस्ट है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब टिकट किसको दिया जाएगा इस पर भी जनप्रतिनिधियों की राय सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रयागराज मंडल की जिस तरीके से चुनाव हुआ था, उसमें करारी हार मिली थी और केवल एक सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो अब इन सब तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के साथ फेस टू फेस सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और तमाम ऐसी जो अंदर खाने की बहुत धन्यवाद धीरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद, और संदीप आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए।